ऐसी स्थिति में आपको माहू का नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। तो जहां भी अगर माहू ज्यादा लग रहा है तो माहू के लिए कुछ दवाइयां हैं जो आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि एक तो दवाई होती है इमीडा क्लोप्रिट, जिसे शॉर्टकट में जानते हैं इमीडा के नाम से। आती है शायद इसको अलग हुई है नहीं, यहाँ रखती है या नहीं रखती, आती है इसको की इमीडा अगर आप लेने को लेनी है तो आप इसे 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी एक दवा होती है थायामेथोक्सोम, ये रही इसको की तायो के नाम से आती है। ये थायामेथोक्सोम का 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप 150 लीटर पानी में घोल बनाएं और स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने खेत को माहू से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक, कोई भी फसल हो, इस टाइम जो भी जैसा ना कहा सारी फसलों में लगता है, किसी भी फसल में ये आप स्प्रे करें। अब अगली चीज, जैसे ही ये फरवरी का महीना अंत की तरफ पहुंचेगा 20-25 फरवरी के बाद, गेहूं में एक बीमारी लगती है काफी तेजी से, पत्तियों के ऊपर पीला पीला हल्दी जैसा पाउडर दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी भर के हल्दी इसके ऊपर छींटा मारा है या पीला रंग लेके इसके ऊपर छिड़का है। एक तो देता है तो या तो पत्तियां पीला पीला हल्दी जैसा पाउडर दिखाई दे या ये लाल वाला जंक जैसा दिखाई दे, इसका नाम होता है ये रतुआ बीमारी है गेहूं की। और ये खासकर जो आपकी एक 343 प्रजाति होती है ना, 43 जिसे आप शॉर्टकट में कहते हो, बहुत ज्यादा आपके बीच में पॉपुलर प्रजाति थी, बहुत लोग ला देते थे, उसमें बहुत लगता है ये रोग। तो जैसे ही आपको जहां कहीं भी इस पीला रतुआ या लाल वाले रतुआ के लगने के लक्षण दिखाई दें, बड़ी भयानक बीमारी है, बहुत तेजी से गेहूं की पैदावार को कम कर सकती है अगर इसका समय पर नियंत्रण न करा गया। ठीक है, तो प्रोपिकोनाजोल 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ स्प्रे करना है। ये स्प्रे उस हर एक खेत में होगा जिस खेत पर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ खेत आपके ऐसे भी होंगे जिसमें आपने इस बार ऐसा गेहूं ये सोच के बोया होगा कि इस खेत में जो भी हमारा गेहूं होगा उसे हम अगले साल बीज के रूप में प्रयोग करेंगे। सोचते ना आप, हर साल कोई आप बाहर से नया बीज लेके आए हो इस बार थोड़ा बहुत खरीद के, या आपके घर का ही कोई ऐसा अच्छा बीज हो जिसका आप कह जाता होगा अगले साल हम उसे बीज के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ऐसे खेत में चाहे बीमारी लगी हो या ना लगी हो, प्रोपिकोनाजोल का एक स्प्रे 20% बाली जब निकल जाए उस अवस्था में आपको अवश्य करना है। उससे दाना बढ़िया पक्का मजबूत और रोग रहित रहता है, जो अगले साल बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए अच्छा होता है। तो ये इस तरह से आप रतुआ से बचाएं। और अगर आपको अच्छा बढ़िया दानेदार चमकदार गेहूं अपने खेत में पैदा करना है तो भी प्रोपिकोनाजोल का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से जब 20% के आसपास बाड़ियां निकल जाए तब आपको स्प्रे करना है। उसमें क्या होता है कि पका पका वो गेहूं बिल्कुल बालियां आ गई, बालियां भर गई, बालियों में दाना पड़ गया, तब उस पकी पकाई बालियों के ऊपर सुंडियां लग जाती है, है ना, होता है ना। और वो सुंडी इतनी खतरनाक है कि पकी पकाई बाली को काटती है, दाने को काटती है। हाँ, अब आप ये समझो कि वो किसी फसल का जो मुख्य प्रोडक्ट है, जो मुख्य चीज आपको चाहिए, जो आपके काम की चीज है, अगर उसे ही कोई नुकसान करते तो वो कितना बड़ा नुकसान है। जैसे मान लिया इस टाइम आपके यहाँ गेहूं बढ़ा, कोई सूंडी लग जाए, 2-4-5 पत्ती खा भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बाली भी उसने नुकसान कर दी तो पैदावार पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आपको उस सूंडी से भी छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो देखो गेहूं उस टाइम बिल्कुल पकने की अवस्था में होता है, और गेहूं आप सब जानते हैं चाहे कैसा भी किसी भी खेत में किसी तरह का गेहूं खड़ा हो, थोड़ा वो बीज का छोड़ दो 2-4%, 95% खाने के लिए ही प्रयोग होगा। चाहे आटे में खाया जाए, चाहे दलिये में खाया जाए, चाहे सूजी में खाया जाए, चाहे कुछ और बनाया जाए, लेकिन सारा का सारा गेहूं खाने के लिए ही तो जाएगा। तो उस गेहूं में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जहरीला वो कम से कम हो जाए, कम से कम जहरीली दवाई से हमारा काम चल जाए। तो सबसे बढ़िया बिना जहर का तरीका उस समय आप एक ये कर सकते हैं, नीम का तेल आता है, जो आपकी सरकारी गोदाम है, सरकारी इकाइयां होती हैं जहां दवाइयां खाद बीज वगैरह मिलता है, वहां से ही मिलता है, प्राइवेट दुकानों में मिलता है। ये नीम का तेल आप 1.25 लीटर यानी 750 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देंगे रोकथाम के रूप में। मतलब जहां जिस खेत में अभी तक सूंडी लगी नहीं है लेकिन आपको इलाके में सूचना आ गई कि जी कहीं कहीं सूंडी की शुरुआत हो गई है, चल रही है।
चल रही है, तो अपने खेत में जिसमें सुंडी ना लगी हो उसमें अगर आप एक स्प्रे नीम के तेल का कर लेंगे तो कम से कम उस खेत में सुंडी नहीं आएगी जिसमें नीम का तेल का स्प्रे, और बिना जहर के आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ये है रोकथाम बड़ा, अगर आपके खेत में एक बार सुंडी लग गई फिर आप सोचोगे हम नीम का तेल छिड़क के इसे मारेंगे तो नहीं बनेगी, लेकिन जिस खेत में आई नहीं है अभी तक उस खेत में आएगी नहीं। अगर एक खेत आपके हैं नीम के तेल का स्प्रे वाला खड़ा है, सुंडियां घूम रही हैं, तो अड़ोस पड़ोस आजू बाजू बगल वालों के खेत में तो लग जाएंगी पर उस खेत में नहीं लग जाएगी जिसमें नीम का तेल का स्प्रे। तो इसलिए आप जो है ये भी एक काम कर सकते हैं कि नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। अब जिन खेतों में अगर लग गई सुंडियां तो क्या करेंगे, तो जो है एक दवा आती है एमामेक्टिन, इसको की भी आती है यानी रखिए आज, ये एमामेक्टिन दवा आप 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत से सारा का सारा जो है ये सुंडियां खत्म हो जाएंगी।